हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ कराने वाली हूँ। आपसे कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज एंड 53 मंडेज। कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर आप एक लीप ईयर को सिलेक्ट करते हो, लीप ईयर मतलब जिसमें 366 डेज है ना, उसे सिलेक्ट करते हो, तो उसके अंदर 53 संडे होंगे और 53 मंडे होंगे। तो देखो, आपको पता है कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जिसमें 52 वीक्स जो हैं वो तो एकदम फिक्स हैं, होंगे ही होंगे। मतलब 52 इंटू 7 कर दो अगर आप, तो आपके पास कितना 364 आ जाएगा। तो 52 वीक्स तो कंफर्म है कि 366 डेज में होंगे ही होंगे। तो उन 52 वीक में हर वीक में संडे और मंडे तो आएगा ही आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल ही नहीं सकते 52 वीक्स। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही हम श्योर हैं कि संडे और मंडे आने ही आने हैं। प्रोबेबिलिटी उनकी निकलती है जिसमें चांसेस हो कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। अब बचे यहाँ पर दो दिन, कि 364 ही डेज होए ना, तो अब प्लस 2 डेज बचे हैं। तो ये जो दो दिन है ये क्या क्या हो सकते हैं? या तो संडे मंडे हो सकते हैं, या मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं है ना, या फिर वेनसडे थर्सडे हो सकते हैं, या थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, या फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, या फिर सैटरडे संडे हो सकते हैं। ये दो दिन में यही आ सकते हैं, चांसेस यही हैं। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। उसमें से संडे और मंडे का सिर्फ एक ही है फेवरेबल आउटकम, एक ही है ना, बाकी और किसी में तो संडे और मंडे नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम तो मेरे पास एक ही आ रहा है, और टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने आ रहे हैं? आ रहे हैं 7। बस निकल गई आपके पास प्रोबेबिलिटी। किसकी निकालनी थी? 53 संडेज एंड 53 मंडेज की निकालनी थी ना। तो कितनी होगी? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। आप सोच लोगे 52 का क्यों कुछ नहीं कर रहे, ये एकदम फिक्स है भाई, 52 वीक में मंडे और संडे आएंगे ही आएंगे। और जिस चीज़ में हम श्योर होते हैं, हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे? वो तो श्योर इवेंट है ना, इसीलिए तो हमने 2 डेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बस इसके। क्लियर है? तो ये था आपके पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ। थैंक यू।